जिले में जंगली जानवरों का आना बेखौफ जारी है। पिछले दिनों जंगली हाथियों ने भी अपनी आमद दी थी, वहीं अब जंगली गौर को ग्रामीणों ने विचरण करते देखा है, जिसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम बारुका के समीप 10 से 12 की संख्या में जंगली जानवर गौर को देखा गया। बताया जा रहा है कि यह जंगली जानवर धमतरी जिले और गरियाबंद जिले के बीच से होकर बहने वाली पैरी नदी से होते हुए सड़क पार कर जिले के ग्राम बारुका के पहांडी के तरफ जा रहे थे। वहीं इन गौर के झुंड में उनके बच्चे भी शामिल हैं और इन बच्चों के चलते ये कभी भी हिंसक व खतरनाक हो सकते हैं। सड़क में खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे लोगों के लिए यह काफी नुकसानदेह हो सकता है। इससे पूर्व इन जंगली जानवर गौर के हमले से एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं एक व्यक्ति को भी गौर द्वारा घायल किया जा चुका है। इसके बावजूद भी उक्त स्थल में वन विभाग के किसी कर्मचारी को नहीं देखा गया। ज्ञात हो कि इस स्थान पर हफ्ते भर पहले 19 जंगली हाथियों के झुंड को नदी पार करते धमतरी जिले में प्रवेश करते ग्रामीणों द्वारा देखा गया था। कोरोना से जंग अब भी जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बार बार नेशनल अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.